झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 33 में मुस्लिम स्कूल के पास रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। दरअसल यहाँ के सीवरेज चैम्बर आए दिन ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण न केवल दुर्लभ बल्कि गंदा पानी भी सड़कों पर बहने लगता है। वार्ड के लोगों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए LND ठेकेदारों और कंपनी प्रतिनिधियों को कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल इस लाइन की आगे निकासी नहीं है, ऐसे में यह लाइन ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे गटर का पानी बाहर निकलने लगता है। कोरोना जैसी महामारी में लोग स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इन ठेकेदारों की वजह से इस मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। वार्ड के लोगों ने समस्या समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ काफी दिनों से ये चैम्बर की शिकायत आ रही है और हमने बार बार LNT वालों को फोन भी किया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने इसके बारे में LNT के ठेकेदार को भी फोन किया है और ये आगे तक भी ये लाइन पूरी तरह से डली भी नहीं है, जो कि इसका कोविड के चक्कर के अंदर महामारी फैलने का डर है और संक्रमण ज़्यादा फैलने का वो है। और ये गटर लाइन के अंदर से बहुत बुरी तरह से पानी निकल रहा है, यहाँ जीना दुश्वार हो रहा है और यहाँ महामारी का फैलने का डर रहता है, बच्चों में बैक्टीरिया का भी में फैलने का डर है। हम इस समाधान के लिए इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए और इसकी पाइपलाइन को आगे इसको खोला जाए और इसमें शहरवासियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और इसका पानी भी काफ़ी दिनों से निकल रहा है। LNT वाले को सुनाई नहीं कर रहे हैं और इसके बारे में हमने क्या है कि वार्ड पार्षद को भी सूचित किया था, पार्षद ने भी उनको LNT वालों को बोला था, फिर भी इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पाइपलाइन भी गई है और ये इसमें काफ़ी दिनों से ये शिकायत हो रही है।